हेलो नमस्ते आदाब। शुरू करते हैं सबसे पहले आज की हमारी हेडलाइन से। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, फेम एक्ट्रेस ने कर ली है गुपचुप शादी, गवाह है ये तस्वीरें। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका की हो गई है वापसी। सोनाली फोगाट के नाम से हो रही है धोखाधड़ी, सोशल मीडिया के जरिए फैंस को किया आगाह। अभिनव की पैंट खींच कर ट्रॉल हो गई है राखी सावंत, सोशल मीडिया यूजर्स सुना रहे हैं खरी खोटी और साथ दे रहे हैं अभिनव शुक्ला का। सलमान खान पर भड़की अभिनव की साली ज्योति का दिलेख, यू निकाला गुस्सा। बिग बॉस 14, एजाज खान ने बताया इस दिन होगी घर में एंट्री, देवोलीना भट्टाचार्य जाएंगी बाहर। दोस्तों मैं पायल फिर लेके आई हूँ छोटे पर्दे की बड़ी गॉसिप। जी हाँ, छोटे पर्दे की ये गॉसिप सुनकर तो आप भी बोल उठोगे क्या गॉसिप्स है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि गुड्डन यानी छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री कनिका मान आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। कनिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। इस बार कनिका ने कुछ ऐसी फोटो शेयर की हैं जिससे उनके फैंस विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल पंजाबी सिंगर काका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा की है। इन तस्वीरों में काका कनिका मान के साथ नजर आ रहे हैं। कनिका और काका के फैंस तस्वीर देखने के बाद अनुमान लगा रहे हैं कि दोनों सेलिब्रिटीज ने गुपचुप शादी कर ली है। शेयर की गई फोटोज में दोनों व्हाइट आउटफिट्स में नजर आ रहे हैं। इन सभी तस्वीरों को देखते ही फैंस को लग रहा है कि कनिका और काका ने शादी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि ये उनके अपकमिंग वीडियो सॉन्ग की तस्वीर भी हो सकती है। गैर मतलब है कि कनिका ने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी, इसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्मों और एल्बम्स में भी काम किया है। छोटे पर्दे पर शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा से उन्हें सफलता मिली। फिलहाल कनिका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के दूसरे सीजन में काम कर रही है। क्या सच है या क्या नहीं ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर एक बार फिर किलकारियां गूंज उठी है। कपिल दूसरे बच्चे के पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी गिनी ने दिया है बेटे को जन्म। जी हाँ, कपिल शर्मा के फैंस के लिए ये है बेहद बड़ी खुशखबरी। कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर से पापा बन गए हैं। कपिल शर्मा की पत्नी गिनी चतरथ ने बेटे को जन्म दिया है और ये गुड न्यूज कपिल ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर की है। कपिल शर्मा ने ट्वीट किया है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही कॉमेडियन ने इस बात की जानकारी भी दी है कि माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। कपिल शर्मा ने सुबह 5:30 बजे ट्वीट करते हुए लिखा, नमस्कार, आज सुबह हमें भगवान के आशीर्वाद के रूप में एक बेटा मिला है। ईश्वर की कृपा से बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ है। आपका प्यार और दुआओं के लिए सभी का शुक्रिया, गिन्नी और कपिल। इसके साथ ही कपिल ने हैशटैग ग्रैटिट्यूड का भी इस्तेमाल किया है। वेल, हम तो बेहद खुश है छोटे कपिल शर्मा के आने से। टीवी का मशहूर धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपने दर्शकों का वर्षों से मनोरंजन कर रहा है। इस शो में प्रदर्शित होने वाले किरदार लोगों के मुंह जमानी याद है और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में इन पर मीम्स भी खूब बन रहे हैं। शो के मशहूर किरदारों में से एक किरदार नट्टू काका है, जिसे इस धारावाहिक में वरिष्ठ अभिनेता घनश्याम नायक अदा करते हैं। वे काफी लंबे समय से इस शो से दूर थे और हाल ही में उन्होंने वापसी की है। धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्देशक मालव राजदा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है, जिसके जरिए उन्होंने शो के प्रशंसकों को जानकारी दी है कि शो के मशहूर किरदार नट्टू काका एक बार फिर से लौट आए हैं। तस्वीर में घनश्याम नायक शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ कैप्शन में मालव ने घनश्याम के लिए ये लिखा, वह पूरी टीम के लिए प्रेरणा की एक स्रोत है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं नट्टू काका। धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रशंसकों के लिए ये खबर रोमांचित करने वाली है और इस खबर पर लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। नट्टू काका का किरदार शो में काफी लंबे समय बाद वापसी करने वाला है। सोशल मीडिया के जरिए इन दिनों धोखाधड़ी के मामले बढ़ गए हैं।
फेसबुक पर लोगों की फेक आईडी बनाकर उनसे म्यूचुअल दोस्तों से पैसे मांगने के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही मामले में बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट सोनाली फोगाट का भी नाम सामने आया है। सोनाली ने खुद अपने फैंस को ये बात बताकर उन्हें सचेत किया है कि वो ऐसी किसी भी धोखाधड़ी में ना फंसे। बिग बॉस 14 के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री कर आई सोनाली फोगाट बिग बॉस के घर से बेघर हो गई है। उनके बिग बॉस के घर से जर्नी ज्यादा दिन तो नहीं रही, लेकिन जितनी भी रही वह काफी दिलचस्प रही। अब बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद सोनाली कई इंटरव्यूज दे रही है, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। हाल ही में सोनाली ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर अपने फैंस को बताया है कि कोई शक उनके नाम पर धोखाधड़ी कर रहा है। वेल, ये तो बहुत ही चीटिंग की बात है जो आजकल सोशल मीडिया पे कई फ्रॉड्स लोग कर रहे हैं। बिग बॉस 14 में होस्ट सलमान खान अभिनव शुक्ला की क्लास लगाने वाले हैं। दरअसल बीते दिन राखी सावंत ने अभिनव शुक्ला का नाड़ा खींचने की कोशिश की। अभिनव सलमान खान से राखी सावंत के व्यवहार के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सलमान इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हैं। सलमान पूछ रहे हैं कि राखी इस घर की सबसे बड़ी एंटरटेनर है, उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? तब रूबीना कहती है पूरे घर को। सलमान ने इसके जवाब में कहा, तो आप लोग सही है या बाकी घर सही है? रूबीना कहती है यहाँ कोई गलत और सही नहीं है। तब सलमान भारी आवाज में कहते हैं यहाँ है सिर्फ और सिर्फ अभिनव को फायदा हो रहा है। अभिनव ने इस पर तुरंत ही हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है सर, तो मुझे वो फायदा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर सबके सामने कहना चाहता हूँ। बाद में अभिनव कहते हैं, अगर ये मनोरंजन है तो मैं अभी घर से जाना चाहता हूँ। उसके बाद अभिनव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब पत्नी रूबीना उन्हें गले लगाती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस अभिनव के सपोर्ट में उठाए हैं। सोशल मीडिया पर फैन शो के होस्ट सलमान खान को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। वेल, ये तो हमें भी लगा कि अभिनव के साथ देना तो हमारा सलमान खान को चाहिए था। बिग बॉस 14 के हाल ही के एक एपिसोड में राखी सावंत ने एक टास्क के दौरान अभिनव शुक्ला के निक्कर का नाड़ा खींच दिया था, जिसे अभिनव और रूबीना को तो गुस्सा आया ही। अभिनव की साली यानी रूबीना की बहन ज्योतिका दिलेक भी भड़क गई है। रूबीना की बहन ज्योतिका ने कहा कि राखी सावंत को लगता है कि किसी के ट्राउजर का नाड़ा खींचना बहुत ही कैजुअल बात है, तो ये उनके लिए एंटरटेनिंग होगा, लेकिन हर व्यक्ति अलग होता है। जो चीज किसी एक व्यक्ति को नॉर्मल लग रही है, वही चीज जरूरी नहीं है दूसरे व्यक्ति को भी नॉर्मल लगे। कुछ लोगों को ये एंटरटेनिंग लगेगा, पर कुछ को नहीं। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ किसी के ट्राउजर या पैंट का नाड़ा खींचना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ये एक व्यक्ति की पर्सनल स्पेस है और किसी को वह क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ज्योतिका ने आगे कहा, मेरे हिसाब से राखी को अभिनव जीजू के निक्कर या ट्राउजर का नाड़ा नहीं खींचना चाहिए था। वहीं ज्योतिका दिलेक ने ट्विटर पर सलमान के खिलाफ गुस्सा निकाला और नाराजगी जताई कि वे राखी की हरकतों को एंटरटेनमेंट बता रहे हैं। वेल, ये सब तो वाकई गलत लगा हमें भी, और सब ट्रॉल्स के कारण हो सकता है शो में कुछ चेंजेस आए। बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट एजाज खान अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट के चलते घर से बाहर निकले थे। उनकी जगह पर प्रॉक्सी बनकर घर में देवोलीना भट्टाचार्य पहुंची थी। एजाज खान को घर से निकले 2 हफ्ते हो चुके हैं। अब उनकी वापसी को लेकर चर्चाएं की जा रही है। India.com की खबर के मुताबिक एजाज खान ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि वे किस दिन एंट्री करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एजाज खान ने कहा, हम फरवरी के पहले हफ्ते तक ही सब कुछ पूरा करने के इरादे से दिन रात काम कर रहे हैं। कुछ डेट्स का इश्यू है, मेरी तरफ से कुछ नहीं, दूसरे आर्टिस्ट की वजह से है। इस शूट को फरवरी 2020 तक ही पूरा होना था, मगर वह फरवरी 2021 आ गया है। ये एक बहुत ज्यादा लंबा वक्त है। बिग बॉस ने पूरी तरीके से मेरी जिंदगी बदल दी। बताते चले कि इस समय एजाज खान की प्रॉक्सी के तौर पर घर में मौजूद देवोलीना भट्टाचार्य इस हफ्ते नॉमिनेटेड है। अब ऐसे में देखना ये है कि कहीं देवोलीना भट्टाचार्य एजाज खान के लौटने से पहले ही बेघर ना हो जाए। फिर हम होप करते हैं कि हम एजाज को जल्द ही शो में वापस देखे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल टेली मिर्च मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।